NIUS के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं। देखो, जिन स्टूडेंट ने अपील सेशन के लिए एडमिशन ले रखा है, आप सबको पता है कि आप लोग का प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने वाला है और उसकी जो फाइनल डेट शीट अभी आनी है वो इसी महीने आएगी, यानी कि फरवरी के अंत तक आप लोग की फाइनल डेट शीट आ जाएगी। जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल हम इस वीडियो में ये जानने आए हैं कि आपको जो प्रैक्टिकल आपका फाइल जो अभी बनाने वाले हो आप, उसका फ्रंट शीट आपको कैसे बनाना है, फ्रंट शीट पर आपको एक्चुअली में क्या लिखना है, NIUS ने आपको क्या लिखने के लिए बोल रखा है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपना फ्रंट शीट अच्छा से अच्छा कैसे बनाना है, क्योंकि आप सबको पता है कि पहला पेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से आपको पूरे जो आपका फाइल होता है उसको जज कर लिया जाता है, ठीक है। तो फ्रंट शीट पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल गंदा सा फ्रंट शीट बना के दे देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटेल की बात कर लेते हैं कि आपको फ्रंट शीट पर लिखना क्या है, NIUS ने क्या लिखने के लिए बोल रखा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप उसमें क्या एडिटिंग कर सकते हो, कैसे उसे और अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो मैं बैक कैमरा को ऑन कर रहा हूँ ताकि आप लोग को डिटेल समझा सकूँ। तो प्रैक्टिकल के फ्रंट शीट पर आप लोग को क्या लिखना है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपको बस अभी ये बेसिक डिटेल दिखा रहा हूँ जो कि आपको लिखना है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि किस पेज पर लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है, जिससे कि आपको और अट्रैक्टिव लगे पहला पेज। तो यहाँ पर आप डिटेल की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो कि NIUS का फुल फॉर्म है। उसके बाद हमने लिखा है प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद हमने अपना नाम लिखा है, नेम लिख दिया अपना, रोल नंबर लिख दिया है, क्लास लिख दिया है, ठीक है, अपना भी क्लास आप लिख दोगे, सीनियर सेकेंडरी है तो सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी, 10वीं 12वीं ऐसे करके मत लिखना, ठीक है, या तो सीनियर सेकेंडरी लिखना या तो सेकेंडरी लिखना, जो भी हो, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमें जो प्रैक्टिकल का फाइल देना है वो देना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो हमने सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो एग्ज़ाम सेंटर जो है मोस्टली आपका स्टडी सेंटर ही होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आपको एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर मेंशन नहीं करना है, क्योंकि जब आपका हॉल टिकट आएगा तो उसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर मेंशन मिलेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर वाले लाइन में आपको कुछ नहीं लिखना है जब तक कि आप लोग का हॉल टिकट नहीं आ जाता। हॉल टिकट में आप लोग का आपका एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। फिलहाल हमने अपना स्टडी सेंटर का नेम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो फॉर्मेट है वो यही है, एक्चुअली में आपको यही चीज़ें लिखनी होती है। अब आपको इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, किस पेज पर लिखना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपने ये देख लिया है कि आपको फ्रंट शीट पर लिखना क्या क्या है NIUS की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, और देखो इसे अट्रैक्टिव आप लोग कैसे बना सकते हो। तो अगर आप हैंडमेड बनाना चाहते हो, यानी कि खुद से बनाना चाहते हो, तो आपको ये जो मैंने पेज अभी बताया है आपको, इस पेज पर आपको अपना फ्रंट शीट नहीं बनाना है। जो लाइन वाली पेज होती है उस पर आपको अपना फ्रंट शीट नहीं बनाना है, क्योंकि इससे अच्छा लगेगा नहीं, ठीक है। आपको फ्रंट शीट बनाने के लिए जो पेज यूज़ करना है वो जो ड्राइंग वाली पेज आती है जिसमें आप पहले ड्राइंग बनाया करते थे, वो वाली पेज का यूज़ करना है, जिससे कि और अच्छा लगे। और पेन का यूज़ नहीं करना है, जो मार्कर जो आता है मार्केट से 10 रुपये 15 रुपये का, उस मार्कर को आप ख़रीद लेना और उससे आप लिखना, जो मैंने आपको ये डिटेल बताया उससे लिखना, ताकि और अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि 15-20 रुपये या 30 रुपये खर्च कर लो, तो ये जो फॉर्मेट आपको बताया, ये फॉर्मेट लेके अपने नियर बाई के साइबर कैफ़े चले जाओ और उनसे बोल देना कि मुझे फ्रंट सीट बनवाना है, ठीक है। जो मैंने आपका नाम लिखवाया, जो मैंने आपको NIUS का नाम लिखवाया सबसे ऊपर, उसकी जगह उनका लोगो भी यूज़ कर सकते हो। जो NIUS का लोगो होता है वो लोगो भी वहाँ पे डलवा सकते हो। और एजिटिव जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है कि नेम लिखना है पहले आपको, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, इस तरीके से वो लिखवा लेना। और थोड़ी बहुत वो एडिटिंग भी कर देंगे, ठीक है, यानी कि डिज़ाइन वगैरह भी बना देंगे आप लोग के लिए। तो देख लो, अगर आप 20-25 रुपये खर्च कर सकते हो तो साइबर कैफ़े चले जाना। बाकी आप हैंडमेड बनाना चाहते हो, यानी कि अपने आप से बनाना चाहते हो, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप लोग जो ड्राइंग की शीट आती है उसे ख़रीद लेना। उस पर आपको मार्कर के पेन से, और मार्कर भी आपको कई तरीके के मिलेंगे, कलरफुल मिलेंगे, तो अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसका यूज कर लेना, ठीक है। बाकी आप लोग की जो फ्रंट शीट बननी है, जो बेसिक डिटेल डलनी है, वो यही डलनी है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके आपको फ्रंट शीट बनानी है। और ध्यान रखना कि फ्रंट शीट आप लोग का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पहला पेज जो होता है आपका इम्पोर्टेंट होता है, उसी से आपकी पूरी फाइल वो लोग जज कर लेंगे जो आपके टीचर होंगे, ठीक है। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।